गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑसम ऑनलाइन क्लासेस। नाउ टुडे वी स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर वन। फास्टली हम रिवीजन करेंगे चैप्टर वन का। इसमें क्या क्या हमने डिस्कस किया था, क्या क्या स्टडी की थी। क्रॉप का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। हमने इसमें पढ़ा था कि जो हमें फूड हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है वो कहाँ से मिलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब हमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। एग्रीकल्चर को बहुत सारे लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि क्रॉप क्या है, उसके क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्वाइवल फूड एंटायर जो पॉपुलेशन है उसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है क्रॉप्स के बारे में, ये सब हमने इसके इंट्रोडक्शन में स्टडी किया था। जिसमें इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के क्या क्या प्रोसेस हैं, एग्रीकल्चर एक टर्म है जिसको डिराइव्ड किया गया है दो लेटिन वर्ड से इसको डिराइव्ड किया गया है, जिसका मींस होता है अगर का मतलब होता है मींस फील्ड और कल्चर का मतलब होता है मीनिंग कल्टिवेशन, मतलब फील्ड में कल्टिवेशन करना, ये होता है एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है हॉर्टस, मतलब गार्डन में जो हम बहुत कुछ उगा सकते हैं, जैसे रोज़ वगैरह, फ्लावर्स, हम थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं उसमें। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था कि होता है हमारा हॉर्टिकल्चर जो गार्डन में हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने क्वालिटी एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था। इरिगेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है सारा सब कुछ कि एग्रीकल्चर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं, टूल्स रिक्वायर्ड इज कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। जो टूल्स हमारे लिए ज़रूरत होती है जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं, किसकी, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी किसके लिए, प्लांट को कल्टीवेशन करने के लिए, इसको हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। सभी जो हमारे ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मर, सारी एक्टिविटीज़ जो फार्मर्स करते हैं उनको हम फार्मर जो कहते हैं उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहा जाता है, जो सब काम करते हैं। और जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है वो लैंड, जहाँ पर प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है उसको हम फील्ड कहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स है जो हमने डिस्कस किया था, उसको हम रिवीजन में अभी डिस्कस कर रहे हैं अगेन। तो ये कुछ लाइन्स है जो आप टिक कर सकते हैं। नाउ क्रॉप सीजन्स। क्रॉप सीजन होते हैं डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार वो अलग अलग होते हैं, उनमें अलग अलग लाइफ साइकिल होती है, उसमें प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, ग्रोथ होती है टाइम टू टाइम प्लांट्स की। इसमें मेन दो क्रॉप सीजन होते हैं हमारे कंट्री में, देश में, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स में क्या है, ये रेनी सीजन में जून से इसको स्टार्ट किया जाता है, अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है फसल को। फॉर एग्जांपल पेडी, पीजन पी, अरहर, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप जिनको विंटर सीजन में अक्टूबर से अप्रैल तक ग्रो किया जाता है, वीट, ग्राम, गेहूँ, चना, पीज, मटर, लिनसीड, ऑयलसीड और बार्ले, ये सब रबी क्रॉप है। तो ये हमारे कंट्री में दो तरह के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसको फार्मर्स करते हैं। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल बाय प्लगिंग एंड लेवलिंग, तो सोइल को तैयार करना प्लगिंग और लेवलिंग के द्वारा, सोविंग ऑफ सीड्स उसमें बीज को डालना,
एप्लीकेशन ऑफ मेन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसको मेन्यूअरिंग कहते हैं, उसमें मेन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करना, इरिगेशन उसमें पानी डालना, वीडिंग रिमूवल ऑफ वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको वहाँ से हटाना, हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग और विनोविंग ये प्रोसेस है, और फिर देन लास्ट है उसको स्टोरेज करना, उसका स्टोर करना ताकि उसको लंबे समय तक हम यूज़ कर सकें। सोइल का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है सोइल का प्रिपरेशन करना, टर्निंग और लूज़ करना, उसको लूज़ करना, टर्निंग प्लगिंग से उसको लूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत सारे हेल्प हैं। ये लूज़ करता है सोइल को, जिससे ज़्यादा वाटर और एयर उसमें होल्ड हो सकती है। लूज़ करने से ग्रोथ होती है अर्थवर्म्स की, माइक्रोब्स जो कि फसल के लिए और न्यूट्रिएंट्स उसको बनाते हैं, देते हैं सोइल को। इसमें जब मिक्स करते हैं फर्टिलाइजर और मेन्यूअर तो ये अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, इट सोइल को लूज़ करता है ताकि ये आसानी से उसकी रूट्स सांस ले सके, ब्रीथ कर सके। इट हेल्प्स इन ईजी पेनेट्रेशन, रूट्स जो रूट्स होती है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। न्यूट्रिएंट रिच सोइल अप टू लोअर लेवल सोइल प्लांट्स कैन यूज, ताकि प्लांट्स अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकें। ये हमारी हेल्प करती है रिमूविंग वीड्स बाय अपरूटिंग, तो वीड्स को भी रिमूव करने में इसमें सहायता। हाउ इज प्लगिंग टिलिंग, ये प्लगिंग कैसे किया जाता है, इसके लिए प्लो होता है, हो या कल्टीवेटर इनको यूज़ किया जाता है। ये प्लो आप देख सकते हैं, इसको यूज़ किया जाता था पुराने टाइम पे, पर आजकल कल्टीवेटर को यूज़ किया जाता है। सोइल के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको क्रम कहते हैं, और क्रम को ब्रेक डाउन किया जाता है लेवलर के द्वारा, जो सोइल को फिर इरिगेशन पर्पज़ के लिए तैयार किया जाता है। प्लो, हो, कल्टीवेटर, लेवलर, ये सारे इक्विपमेंट हैं, इनको यूज़ करके हम उसको अच्छी तरह से उसको प्लो करते हैं और उसको कल्टीवेटर से लेवलर से लेवल करते हैं उसके बड़े बड़े पत्थरों को। ये सब इसमें हमें बताया गया है, और ये होता है आपका हो, जो कि हमारे लिए यूज़ होता है बहुत ज़्यादा जब हम प्लो करते हैं फील्ड को। फिर नेक्स्ट होता है कल्टीवेटर, कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है जो कि लेवल करता है पूरे फील्ड को लेवल करने के लिए हम कल्टीवेटर यूज़ करते हैं। ये वुड का बना होता है लेवलर प्लांग, जो कि एनिमल या ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। थैंक यू।